सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नुसरत जहां ने किससे विवाह किया है, ये उनका निजी मामला है और इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और संसद में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अपने पति का नाम निखिल जैन बताया है। तो क्या उन्होंने संसद के पटल पर झूठ बोला था? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि संसद के पटल पर झूठ बोलना अपने आप में गैरकानूनी या गलत है और उस पर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है और कई तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन इस विवाद की शुरुआत कहाँ हुई? इस विवाद की शुरुआत खुद नुसरत जहां ने की है। नुसरत जहां, मैं आपको बताऊं कि नुसरत जहां कोलकाता के नज़दीक बशीरहाट से सांसद हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उसके पहले वो फिल्म अभिनेत्री थी। उन्होंने कल ये सफाई दी, उन्होंने कल ये कहा कि उनका विवाह इंटरफेथ मैरिज था, यानी दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच विवाह हुआ था, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भारत में उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, उसका वैलिडेशन होना चाहिए था, जो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए कानूनी रूप से उनका विवाह हुआ ही नहीं था, तो उसके विच्छेद होने या उसके तलाक की क्या बात है? ये एक तरह का रिलेशनशिप था या ज्यादा से ज्यादा वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, ये कहना है नुसरत जहां का। मैंने उनको कोट किया है। मामला क्या है? नुसरत जहां काफी दिनों से काफी विवादों में रही हैं। वो अपने फिल्म करियर को लेके, वो देवी दुर्गा के लिए उस वेश में सजकर मॉडलिंग करने के लिए, वो अपने आधुनिक पोशाक के लिए, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में धुनुची डांस करने के लिए विवादों में रही हैं। और फिर उनका विवाह भी विवाद का एक कारण बना, क्योंकि उन्होंने विवाह किया निखिल जैन से, जो कलकत्ता के व्यापारी हैं। ये विवाह उन्होंने तुर्की में किया था और अब वो कह रही हैं कि तुर्की के नियम के मुताबिक ये विवाह था ही नहीं, क्योंकि ये इंटरफेथ मैरिज था और भारत में भी इंटरफेथ मैरिज होने की वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसकी वैलिडेशन की जरूरत थी, जो नहीं हुई। ये उनका बिल्कुल निजी मामला है और इस निजी मामले पर किसी की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वो किसे विवाह करती हैं, वो किसके साथ रहती हैं, क्या करती हैं, ये बिल्कुल निजी मामला है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि वो सांसद हैं, वो बीजेपी की नेता है और बीजेपी, सॉरी माफ कीजिएगा, वो टीएमसी की नेता है और टीएमसी और बीजेपी में जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है उसके बीच ये बात उठना बहुत ही स्वाभाविक है और बीजेपी ये बात उठा ही सकती है और बीजेपी ने उठा ही दिया है कि उन्होंने संसद से झूठ बोला था, उन्होंने संसद को गुमराह किया था, उन्होंने अपने शादी की बात छुपाई थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की बात हम जब करते हैं तो नुसरत जहां ने उस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसका वैलिडेशन क्यों नहीं कराया, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि ये अगेन ये फिर भी एक बिल्कुल निजी मामला है, लेकिन नुसरत जहां के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दूसरे लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो व्यक्ति बांग्ला फिल्मों के अभिनेता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उसमें वो हार गए थे। उनका नाम है यश दासगुप्ता। यश दासगुप्ता और नुसरत जहां का रिलेशन बिल्कुल निजी है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यश दासगुप्ता बीजेपी के नेता भी हैं और नुसरत जहां टीएमसी की नेता हैं और बीजेपी ने नुसरत जहां पर सवाल या निशान उठाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नुसरत जहां बीजेपी के ट्रैप में फंस रही हैं? इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी टीएमसी के बीच जो राइवलरी है पश्चिम बंगाल में, वो तेजी से उभर रही है और वो एक नया रूप रंग लेगी? इससे सवाल ये भी उठता है कि क्या नुसरत जहां के बहाने बीजेपी टीएमसी को घेरने की कोशिश करेगी? ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं, ये निजी बातें नहीं हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल बातें निजी संबंधों की वजह से उठी हैं। इन सब बातों का जवाब तो समय आने पर पता चल जाए। नुसरत जहां अब इस पर क्या कहती हैं और नुसरत जहां अमित मालवीय के आरोपों का क्या जवाब देती है, ये तो वही बताएंगे। तब तक आप देखते रहें सत्य हिंदी.com, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें।
हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें सत्य हिंदी ऐप को, जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। तो देखते रहें सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।